उधम सिंह नगर में बंगलावासी काफी लोग रहते हैं। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी जब उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इन बंगाली बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा देने का एक जियो जारी किया था। उसी जियो के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंगाली समाज के नमशूद्र पौंड माझी जाति के बच्चों को वजीफा मिलता रहा है, परंतु दुर्भाग्य से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री जी बनने के बाद से अब तक इन बंगाली समाज के बच्चों को वजीफा नहीं दिया जा रहा है। वो जियो कहाँ घुस गया कुछ पता नहीं है। बच्चे परेशान हैं, गरीब समाज के लोग हैं, इनके बच्चों को यदि वजीफा समय से मिलता तो आप कल्पना करो कि उच्च शिक्षा के जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है, बीटेक कर रहा है, इन बच्चों को जो वजीफा यदि मिल जाता तो इनके पढ़ाई में उनके माँ बाप को कितनी बड़ी सुविधा होती। तो वो एक मुद्दा है, उसके साथ साथ एक मुद्दे की जानकारी आया। और इसके साथ साथ और आपको बता दूँ, खाली बंगाली बच्चों का वजीफा नहीं रुका है, इसके साथ साथ जो हमारे जो सामान्य रूप से तो जो पहले से ही अनुसूचित जाति में शामिल है, हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे, जैसे हमारे यहाँ के जनजाति के बच्चे हैं, बुक्सा समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके बच्चों का भी 2-3 साल से वजीफा नहीं मिल रहा है। तो इसके साथ साथ एक और मुद्दा है, वो ये है कि हमारे जो बंगला भाषी ये जो पढ़ने वाले बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए एक कोर्स हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने एक कोर्स गुरुचा ठाकुर के नाम से 2 करोड़ का बनाया था, जिसके ब्याज के पैसे से उच्च शिक्षा लेने वाले जो बच्चे हैं, बंगाली बच्चे हैं, उनको मदद करनी थी। उसके साथ साथ एक हमारे जो इस जिले में, इस प्रदेश में जो रायसिक समाज के लोग हैं, रायसिक जाति के जो लोग हैं, उनके पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उनको भी 2 करोड़ का एक फंड माननीय हरीश रावत जी ने एक ही साथ, एक गुरुचंद ठाकुर के नाम से और एक संत केसर सिंह जी के नाम से कोर्स बनाया था। उस कोर्स का अभी तक कोई पता नहीं है, कोर्स जबकि विधिवत पास है, उसका पैसा सरकार ने दे दिया, कोर्स में ब्याज के पैसे, कई सालों के पैसे भी इकट्ठे हो गए, परंतु उसका लाभ, एक पैसे का लाभ भी रायसिक समाज के बच्चों को और बंगाली समाज के बच्चों को नहीं मिला। ये मुद्दा है तीसरा बिंदु है। उसके साथ साथ आपको पता है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत सिंह को रुद्रपुर के भरे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।